हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं CFA लेवल 3 की रीडिंग नंबर 30 का LOS 9010, या हम जो टैक्स जुरिस्डिक्शन होती है, जब आप एक सोर्स और रेजिडेंस जुरिस्डिक्शन की बात करें, या आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, रह कहीं रहे हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसी और कंट्री का, इस तरह की बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले दो टाइप की जुरिस्डिक्शन होती है जब आप क्रॉस बॉर्डर एस्टेट प्लानिंग की बात करते हैं। पहली होती है सोर्स जुरिस्डिक्शन, दूसरी होती है रेसिडेंस जुरिस्डिक्शन। सोर्स जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि आपकी बॉर्डर के अंदर जितना भी पैसा कमाया गया है, चाहे वो उस कंट्री के पर्सन ने कमाया या आपके यहाँ पर रहने वाले किसी और कंट्री के पर्सन में, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो एज ए इंडियन में कमा रहा हूँ इंडिया के अंदर, और एज ए कोई मेरे सामने एक चाइनीज बंदा है जो इंडिया में जॉब करता है, वो इंडिया में कमा रहा है, वो सारा जो है वो उस बॉर्डर के अंदर कमाया गया है तो इनकम टैक्स के अंदर आएगा। दूसरी होती है रेसिडेंशियल जुरिस्डिक्शन। इसके अंदर होता है कि आप अगर एक इंडियन है तो आप भले इंडिया में पैसा कमाएं या दुनिया के किसी भी देश में पैसा कमाएं, आपको उस जगह टैक्स देना होगा। वो होता है रेसिडेंशियल सिस्टम। इसके अंदर अगर मैं इंडिया में रहता हूँ लेकिन मैं एक चाइनीज या एक अमेरिकन सिटीजन हूँ तो मुझे टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ यूएस एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अपने जो रेसिडेंशियल लोग हैं उनको पैसा देना होता है, टैक्स देना होता है, बल्कि जो नॉन रेसिडेंट यूएस सिटीजन है उनको भी टैक्स देना होता है अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेसिडेंस के अंदर, रेसिडेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर, आपने इंडिया में रह रहे हो, मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मेरी जो इनकम पाकिस्तान से आ रही है, जो इनकम चाइना से आ रही है, जो इनकम मतलब मेरे दुनिया भर में फैले हुए बिजनेस से आ रही है, उन सब का टैक्स मुझे इंडिया में देना है। सोर्स जुरिस्डिक्शन में मुझे सिर्फ इंडिया से कमाया हुआ पैसा देना है, लेकिन मैं तो दे रहा हूँ, कोई अमेरिकन भी इंडिया में रह रहा है तो उसे देना ही है। तो वो चीज़ हो गई एक जगह जहाँ पे पैसा बना वहाँ से, और दूसरी जगह जहाँ आप रहते वहाँ पे टैक्स देना है, ऐसा भले आपने कहीं से भी कमाया। अब बात आती है सोर्स ज्यूरिसडिक्शन की, तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, जो इकोनॉमिकली सोर्स्ड है, जैसे कि रियल इस्टेट जिस कंट्री में है वहाँ पे ही टैक्स देना है। रेसिडेंस के अंदर क्या होता है कि भले ही आपकी रियल इस्टेट बाहर है तो भी आपको टैक्स देना है। ये दो फर्क है इसमें। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो रेसिडेंशियल टैक्स सिस्टम यूज़ करते हैं, आप खुद ही समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से टैक्सेस का आपका सोर्स बढ़ जाता है, आप कहीं भी हो, ऐसे कहीं से भी इनकम हो, आपको टैक्स देना ही है। तो ये जो एडवांटेजेस है उस वजह से रेसिडेंस जुरिस्डिक्शन ज़्यादा चलती है। यहाँ पर अगर हम गिफ्ट और बिक्वेस्ट की बात करें तो वो अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन डोनर और रिसिपेंट कंट्री के हिसाब से होते हैं। जैसे कि क्या हुआ, अगर सोर्स प्रिंसिपल है किसी कंट्री में तो आपने जो गिफ्ट या बेक्वेस्ट दिया है वो किस कंट्री को दिया है सोर्स, अगर विद इन ए कंट्री हुआ है तो वहाँ टैक्स लग जाएगा, किसी और कंट्री में दिया है और आप सोर्स जुरिस्डिक्शन में है तो वहाँ पे फिर अलग पेचीदगियाँ आती है। ठीक है, तो जहाँ से सोर्स हुआ है, जहाँ इकोनॉमिकली सोर्स्ड है या ट्रांसफर्ड है, वहाँ पर वो टैक्स लगता है। जबकि रेसिडेंस के अंदर वो जितना भी डोनर ने पे किया है उस पर टैक्स लग जाता है, जितना भी डोनर ने गिफ्ट किया है। यहाँ पे सोर्स पे डिपेंड करता है वो, डोनर पे डिपेंड करता है रेसिडेंस में। यूएस सिर्फ ऐसा स्टेट टैक्स नहीं देता है जो उसके सिटीजन पे लगता है, वो नॉन सिटीजन्स में भी अगर आपने ट्रांसफ़र किया है कहीं तो वहाँ पे भी आपको टैक्स देना है, भले आप नॉन यूएस इंडिविजुअल है और आप वहाँ पे रियल इस्टेट मूव कर रहे हैं, US कंपनीज के अंदर आपने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है जो US में है अभी उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और जगह, जैसे आपकी कार है, आपकी कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो वो सारी चीज़ों के अंदर टैक्स लगता है US में। अब ऐसे ही क्या हुआ कि आप कई बार क्या करते हैं, कई लोग टैक्सेस इतने ज़्यादा है तो उससे बचने के लिए एक कंट्री छोड़ के दूसरी में चले जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो टैक्स की वजह से ही जा रहे हैं, बट कई ऐसे लोग हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, अपनी कंट्री की सिटीजनशिप दे के दूसरी में रहने लग जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो सामने वाली जो कंट्री है जहाँ से वो छोड़ के जा रहा है, उनको एक रिस्क है कि भैया इसका फ्यूचर में टैक्स हमें मिलेगा नहीं, तो वो टैक्स का जो भरपाई है उसको करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक एग्जिट टैक्सेशन लगाते हैं। कई सारी जो EU की कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी है, इसराइल है, ये इस तरह का एग्जिट टैक्सेशन इम्पोज करती है।
अब ईयू के अंदर क्या एक और चीज़ है कि अगर ईयू में ही किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे टैक्सेस नहीं लगेगा, बट नॉन ईयू में जा रहे हैं तो लगेगा। तो ये एक चीज़ है बाकी स्पेशल। वैसे जनरली जो कंट्रीज के नाम है या किस कंट्री में क्या लॉ अप्लीकेबल है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जनरली CFA नहीं पूछता है एज ए कंट्री स्पेसिफिक कि इस कंट्री का ये बताओ, इस कंट्री का लॉ बताओ। बहुत रेयरली ऐसा होता है, जनरली वो US गैप और IFRS वाले सिस्टम्स में होता था जहाँ पे हमें उनके अंदर डिफरेंसेस पता होने होते थे, बट बाकी सारे जो लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, वो कंट्री स्पेसिफिक ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। अब बात वापस हम अपने इसमें करें एग्जिट टैक्सेशन की, तो ये जो एग्जिट टैक्सेशन की अप्रोच है इसको बोलते हैं डीम्ड टैक्स डिस्पोजिशन। तो जो भी कंट्री किसी को जो अपनी सिटीजनशिप छोड़ के जा रहा है वहाँ से उसको टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं डीम्ड डिस्पोजिशन। अब ये ज़रूरी नहीं एक बार जब आपने जब गेंस वेंस हो रहा है उसको जब वो मूव कर रहा है तभी टैक्स लगा, कई बार क्या करते हैं एक शेडो पीरियड के लिए भी टैक्स लगाया जाता है, मतलब एक ऐसा पीरियड जब वो दूसरे कंट्री का सिटीजन हो चुका है 5-10 साल के लिए, बट स्टिल आप उस पर एक टैक्स लगा रहे हैं एक्सपेक्ट्रेशन के बाद भी, तो उसको बोलते हैं शेडो पीरियड। तो इस रीडिंग में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था फ्रेंड्स, आगे के वीडियोस में आपको इसके बारे में और बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, इस वीडियो को कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें इम्प्रूव करने के बारे में भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।